नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.4 का प्रश्न 4 हम करने जा रहे हैं। इसका दूसरा भाग है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसीकेंट थीटा। ये इसको सॉल्व करके क्या इसका सही उत्तर आएगा, 0, 1, 2 या माइनस 1। आइए इसको करके देखते हैं। तो प्रश्न है 1 प्लस टेन थीटा। बच्चों टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, प्लस सीकेंट थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ये होगी पहली ब्रैकेट। दूसरी ब्रैकेट है 1 प्लस कॉट थीटा होता है बच्चों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आशा करता हूं आपको पहली 8.1 8.2 में याद किए हुए प्रश्न फॉर्मूले सारे याद होंगे। कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अब हमें बच्चों इसको हल करना है। ध्यान से देखना बच्चों, पहली ब्रैकेट में यहां ले रहा हूं और इसमें इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 कॉस थीटा और 1 तीनों का लघुत्तम आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा को 1 से भाग किया कॉस थीटा, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुना। कॉस थीटा को 1 से भाग किया कॉस थीटा, कॉस थीटा को ऊपर 1 से गुना कर दिया कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा से भाग किया 1, 1 को ऊपर साइन थीटा से गुना कर दिया साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा से भाग किया 1, 1 को ऊपर 1 से गुना कर दिया 1। इसी प्रकार से इस ब्रैकेट में करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब 1 साइन थीटा और साइन थीटा इनका लघुत्तम आ जाएगा साइन थीटा। ऊपर देखिए साइन थीटा को 1 से भाग किया साइन थीटा, साइन थीटा को ऊपर 1 से गुना कर दिया साइन थीटा, प्लस साइन थीटा को साइन थीटा से भाग किया 1, 1 इंटू कॉस थीटा होता है कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से भाग किया 1, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास ये दो ब्रैकेट्स आ गई हैं। अब बच्चों देखिए हम इन दोनों को हल करते हैं कैसे। नीचे हमारे पास दोनों हरे गुना हो जाएंगी कॉस थीटा गुना साइन थीटा, कॉस थीटा गुना साइन थीटा। ऊपर देखिए बच्चों, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को एक ब्रैकेट माने तो यह है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 ए प्लस बी इंटू ए, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के, जिसमें कि ए है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ए स्क्वेयर यानी इसका स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी कि 1 का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब हम इसे हल करते हैं। नीचे है बच्चों कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। ऊपर देखिए हमारे पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 का स्क्वायर यानी माइनस 1। ये हमारे पास बच्चों आ गया है। इसमें से देखिए बच्चों, हम एक डिफरेंट कलर का पेन यूज करते हैं ताकि आपको समझ आए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आगे है माइनस 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो बच्चों प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, बाकी हमारे पास बच गया 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और बच्चों यहां समझने की बात यह है कि ये तीनों भी आपस में गुना हो रहे हैं, ये दोनों भी आपस में गुना हो रहे हैं, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा,
और हमारे पास बच जाएगा 2। इसका मतलब हमारा जो उत्तर आया है वह आया है 2। तो देखा बच्चों, हमने इस प्रश्न को हल कराया किया है और हमारे पास उत्तर आया है 2। तो सही विकल्प है देखिए ऑप्शन सी 2, यही इसका सही विकल्प है। बच्चों देखिए प्रश्न था 1 + tan θ प्लस सीकेंट थीटा इंटू 1 + cot θ माइनस को सीकेंट थीटा। ये बहुत लंबा एक प्रश्न है, देखने से ही इसे थोड़ा सा हम घबरा जाते हैं कि इतना लंबा प्रश्न है हमसे होगा ही नहीं, परंतु यदि आप स्टेप बाय स्टेप इसको हल करेंगे तो इसमें आपको कहीं पर भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। हमने सिंपल बेसिक्स जो हमने अभी तक सीखे हैं उन्हीं का प्रयोग करके इस पूरे प्रश्न को हल किया है और देखिए कितना आसान सा उत्तर आया है 2। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य प्रश्नों के वीडियो देखकर उन्हें अच्छे से समझिए और अपनी नोटबुक्स में लिखिए। धन्यवाद बच्चों।